दोस्तों Xiaomi ने जो फोन लॉन्च किया था इंडिया में, Mi A1 जो फोन था दोस्तों काफी कमाल का फोन था। लेकिन दोस्तों इसके बाद Mi A2 लॉन्च हुआ इंडिया में, कह सकते हैं कि जितना A1 चला था दोस्तों उस हिसाब से इस फोन को लोग पसंद नहीं किए। लेकिन दोस्तों अब खबरें आ रही कि इंडिया में बहुत जल्दी Mi A3 लॉन्च होने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इसी फोन के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसमें आपको खास फीचर देखने को मिलेगा और दोस्तों ये फोन कब तक इंडिया में लॉन्च हो सकता है और इस फोन का प्राइस क्या इंडिया में हो सकता है। अगर आप 15 से 17 के बीच में कोई फोन खरीदने के लिए सोच रहे हैं या खरीदने के लिए जा रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि Mi A3 जब तक लॉन्च नहीं हो रहा है दोस्तों तब तक आपको बिल्कुल वेट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कमाल का फोन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। तो इसका डिजाइन दोस्तों बैक साइड में काफी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, ग्लॉसी लुक देखने को मिलेगा और हो सकता है दोस्तों कि इसमें आपको बैक साइड में ग्लास भी देखने को मिल जाए। अगर फ्रंट में बात करते हैं तो इसमें आपको वाटर ड्रॉप कॉर्नर्स भी देखने को मिलेगा। अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें आपको दोस्तों 6.4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, जो कि आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेगी। और दोस्तों हो सकता है कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल सकता है। तो कह सकते हैं कि डिजाइन और डिस्प्ले के मामला में दोस्तों ये फोन काफी कमाल का होने वाला है। अगर कैमरा की बात करते हैं तो इसमें आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा। जो लीक्स में बताया जा रहा है दोस्तों इसमें आपको पहला जो कैमरा रहेगा वो आपको 48 मेगापिक्सल का रहेगा, जो कि सोनी के IMX586 सेंसर के साथ आएगा। और जो दूसरा कैमरा रहेगा वो रहेगा 13 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए रहेगा। और जो तीसरा कैमरा रहेगा वो रहेगा आपको 8 मेगापिक्सल का, जो कि डिस एनेबल करने के लिए रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रूमर्स ये भी है कि जो तीसरा कैमरा रहेगा वो रहेगा 5 मेगापिक्सल का। अगर फ्रंट की बात करते हैं तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। तो कह सकते हैं दोस्तों अगर इसी कैमरा सेटअप के साथ में अगर ये फोन लॉन्च हो गया तो कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा बवाल होने वाला है। अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर। तो कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस भी आपको काफी कमाल का मिलने वाला है। अगर रैम और स्टोरेज की बात करते हैं तो इसमें आपको 2 रैम देखने को मिल सकते हैं। जो पहला होगा दोस्तों आपको 6GB रैम के साथ में आपको 64GB मेमोरी देखने को मिलेगी, और जो दूसरा हो सकता है वो हो सकता है आपको 6GB रैम के साथ में आपको 128GB मेमोरी देखने को मिल सकती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये फोन एंड्रॉइड के पाई पे रन करेगा और दोस्तों ये फोन आपको स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में आएगा। अगर बैटरी की बात करते हैं तो इसमें आपको 3000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, लेकिन दोस्तों अफवाह ये भी है कि इसमें आपको 35mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। साथ में आपको यूएसबी टाइप सी भी देखने को मिलेगा और हो सकता है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाए। अगर प्राइस की बात करते हैं तो इसके बारे में कन्फर्म नहीं, लेकिन बहुत सारा रूमर्स निकल के आ रहा है कि इस फोन का जो स्टार्टिंग वेरिएंट होगा दोस्तों आपको 16000 में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर इस फीचर के साथ में फोन 16000 में लॉन्च हो सकता है तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही बड़ा यहां पे कमाल होने वाला है। अगर इस फोन के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है दोस्तों। सबसे पहले फोन चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद ही फोन इंडिया में लॉन्च होगा। तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि यह फोन आपको इंडिया में जून में ही देखने को मिल सकता है, या हो सकता है कि जून के बाद में भी यह फोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। आपको दोस्तों ये फोन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या इस फोन के लिए आप वेट करेंगे मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो चलेगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही स्मार्टफोन की अपडेट लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।